मजाहिद शाह आवाज आ रही है मैडम, एक देख के लिंक दे दे, लिंक लिंक दे थोड़ा सा पीछे जो वो शोर मचाते रहेंगे बेटा, थोड़ा सा पीछे हो जाए। अच्छा मुजाहिद शाह, आपको पता है मुजाहिद शाह कौन है? कल उनका कल इंतकाल हुआ है, कल सुबह इंतकाल हुआ है, रात को उनका जनाजा था। ये कौन है मुजाहिद शाह? एक बेगुनाह शख्स जिनको 11 महीने वो जेल में थे, 11 महीने के बाद जब उनकी और पाँच छः महीने पहले से उनकी तबीयत खराब थी जेल में, और उनके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी डाली कि उसका इलाज किया करवाया जाए, उनके लिए अस्पताल में भेजा जाए, किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, जजेस ने भी तवज्जो नहीं दी, और वो कल इंतकाल कर गए। 10 दिन पहले वो जेल से रिहा हुए थे। अब कितने जो जेल में जब बीमार हो जाते हैं उनको ये कितना, आप बताएं कि कितना जुल्म करेंगे बेगुनाह लोगों पे। वो जो जेल में जब बीमार होते हैं आप उनकी ट्रायल भी नहीं कर रहे, आप उनकी ट्रायल भी नहीं कर रहे, आप ये भी नहीं फैसला कर रहे कि ये बेगुनाह है या इनको सजा मिलनी चाहिए। आज हम कोर्ट आते हैं, यहाँ पे कई सौ लोग आए हुए हैं कोर्ट में जिनके ऊपर FIR है और जज साहब मौजूद नहीं है। अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये तमाशा तो बंद करवा दें। हम खुद अपील कर चुके हैं कि अगर हमारे ऊपर जुर्म साबित होता है कि हमने ये सारी जो जलाओ घराव किया था तो हम सबको जेल में डाल दें, और अगर नहीं साबित होता तो हम सबको आजाद कर दें। लेकिन ज्यादती ये है कि हम तो सारे बेल पे हैं, जो जेल में है बेगुनाह लोग उनके साथ आप कितना जुल्म कर रहे हैं। आपको जज की भी इंक्वायरी करनी चाहिए, जेल के जो वहां पे सुपरिटेंडेंट है वो भी इसका जवाब दें कि जब वो ज्यादा कैदी बीमार हुआ है इन्होंने उसको छोड़ दिया, और छोड़कर वो बेचारा सीधा अस्पताल में गए और वहां से ही वो उसका इंतकाल हो गया। तो ये इसका कौन जवाब देगा? इसकी आप बात कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग जलाने की, जो ये अमवात हो रही है जेल के अंदर, उस बिल्डिंग के पीछे जो बिल्डिंग पता नहीं क्या ताबूत बनाकर बैठाया हुआ है, जिसके बहाने से आप लोगों को यहाँ जेलों में मारना शुरू कर दिया आपने, आप उनको इंसाफ नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब अब टाइम आ गया, लाहौर चीफ जस्टिस के जो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आपसे हम अपील करते हैं कि जो बेगुनाह लोग हैं इनको जेलों से रिहा करवाया जाए। दूसरी चीज यही हो सकती है कि हम जाके जेलों के बाहर बैठ जाएंगे कि इन गरीबों को जो बीमार हैं वहां पे या उनका इलाज करवाएं या उनको रिहा करें, और ये जो जज साहब हैं जो अपॉइंट नहीं हुए या आ नहीं रहे, ये जो अमवात हो रही हैं, ये जो कत्ल हो रहे हैं जेल के अंदर, ये इस जज की भी, ये अल्लाह ताला को जवाब देंगे इसका, जज भी सारे जजेस जवाब देंगे। तो आप मेहरबानी से हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं आप इसके ऊपर जरा इनकी इंक्वायरी करवाएं, ये हमारे एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस की भी इंक्वायरी करवाएं, और जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे भी ये उनसे जवाब लें। उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 24 मई तक का टाइम दिया है, अगर लाहौर के स्थानीय दहशतगर्दी की अदालत में जज तक नहीं तैनात होते तो अदालत ने इन पर्सन जो है वो मरियम साहिबा को बुलाया। देखिए मरियम नवाज इस वक्त वो बेचारी जो यूनिफॉर्म इन्हीं का पहन के बैठ जाती हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही, उनको पता भी है कि इसकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है? ये फैशन शो नहीं है, यहाँ पे ये बड़ी सीरियस चीज है, बड़ा आप इसका मजाक ना बनाएं। आप हम पुलिस वो महकमा है जिसने हम सबकी हिफाजत करनी है,
हमारे पर जुल्म करने के लिए पुलिस नहीं है, हमारी हिफाजत करने के लिए है। अवाम को निशाने इबरत बनाने के लिए नहीं है। हाँ। क्या आप अवाम को निशाने इबरत बना रहे हैं?